बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हिदायत अपील के इस आखिरी हिस्सा में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी हिस्सा होगा, और अगर ये आखिरी हिस्सा ना हुआ तो हम अपील कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि आज हमने इस अपील को ख़त्म करना है। आप लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि लब्बैक या हुसैन कहने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों, लब्बैक या महदी कहने वालों, आओ और लिटररी लब्बैक कहो, इस प्रोग्राम में शामिल हो। और हमारा ये जो टारगेट है 555 मोमिनीन वाला, इसे आज हर सूरत कंप्लीट कराओ। कैसे खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इसमें शामिल हो चुके हैं, 532 मोमिनीन इसमें शामिल हो चुके हैं। आप जो थोड़े से रह गए हैं 23, उनमें अपना नाम लिखवा लो। ये उम्मीद कर रहा हूं, इस आस पे बैठा हूं कि मोमिनीन का जमीर बोलेगा, मोमिनीन जागेंगे, मोमिनीन प्रोपेगेंडा करने वालों को रिजेक्ट करेंगे और इस प्रोग्राम में शिरकत इख्तियार करेंगे। याद रखो कि हिदायत टीवी वो वाहिद टीवी है जिससे प्रोपेगेंडों की नजर हर माह या हर मुहर्रम या हर स्पेशल ओकेजन पे जो है वो चढ़ाया गया। कुछ भी हो, आप लोग यकीन रखें कि ये टीवी आपका अपना टीवी है, इसका कोई वाली नहीं, इसका कोई वारस नहीं सवाए इमाम ज़माना के और आप लोगों के। आपसे ये कहा जाता है कि फलां टेक ओवर कर रहा है, फलां टेक ओवर कर रहा है, कोई टेक ओवर नहीं यहां पे हो रहा। ये मिशन मौला है, इसने मिशन मौला समझ के चलाया जा रहा है। और आप भी इसे बार बार, हम सब ये कहते हैं कि अगर आप मेजर के नाम पे देना चाहते हो तो मत दो, अगर आप मौलाना अदील के नाम पे देना चाहते हो तो मत दो, अगर हम अपने लिए मांग रहे हैं तो मत दो, मगर ये मिशन मौला है, ये मौला का टीवी है, ये मौला के टीवी के लिए आपसे मांगा जा रहा है। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर आप डोनेट करते हैं तो आप जाने, मौला जाने, और अगर कोई इसमें हेरा फेरी करता है तो मौला जाने और वो शख्स जाने। आपको आपका अज्र मिलेगा और हेरा फेरी करने वाले को उसकी सजा मिलेगी। बहरहाल मोमिनीन आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टारगेट बहुत कम रह गया है और इस टारगेट को कंप्लीट करना है, प्लीज इवन इफ यू हैव डोनेटेड बिफोर, एक दफा फिर कर ले। एक जो है ना वो मजीद आई है, अनवर हुसैन है हमारे भाई ब्रेडफोर्ड से, अल्लाह सुभान व तआला उन्हें अजर दे और सेहत अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। उन्होंने एक जो है ना मेंबरशिप 100 पाउंड जो है ना इसमें जमा करा दिया है, अपने कार्ड की डिटेल दे दी है। अल्लाह पाक बेहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला के सदक़े में इन्हें सेहत अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। इन्होंने स्पेशल जो है वो सेहत के लिए, दुआ के लिए सारे मोमिनीन से गुजारिश है कि इनके लिए आप दुआ करें, अल्लाह सुबहान व ताला इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए और उनके जुमला मरहूमीन की मगफरत फरमाए। अभी हमारे पास 22 जो है ना वो हैं, रह गए 533 जो है ना वो हैं, 555 पे हमारा ये टारगेट जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल आखिरी लम्हात भी हैं और ये आखिरी फिगर्स भी हैं, ये भी किस्मत वालों के लिए हम ये रह रहे हैं और इसमें आए एक एक दो दो या आप चार चार पांच हम भी कर सकते हैं, चार पांच आदमी आके इसको जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं फिगर को, चूंकि बड़ा टाइम नाजुक जा रहा है। अगला प्रोग्राम आपने देखना है ना
تو پھر آپ کو اس میں جلدی کرنا ہوگی. جی ہاں جی, چونکہ ورنہ تو استخارہ تو نہیں ہوگا نا. خبریں بھی ظاہر ہے کہ وہ جب یہ پروگرام آگے جائے گا تو پھر آپ کو جو جو پروگرام آگے جائے گا اسی طرح پروگرام کا اسکیجول جو ہے نا وہ پیچھے چلتا آئے گا. فلم بھی اس کے اسکیجول میں بھی لیٹ ہو جائیں گی, خبروں کے بھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ استخارہ پروگرام آ رہا ہے اس میں بھی. تو یہ سارے پروگرام جو آ رہے ہیں ان پروگرامس میں, ہاں ایک اور جو ہے نا ہمارے عزیز روشن علی ابراہیم مزید جو ہے یہ بھی ہمیشہ, ہاں یہ بھی وہی پرانے ہمارے بانی ممبران میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. مرحومین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں, جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. 534 ہو گئے اور بہت ہی کلوز جو ہے نا وہ ٹارگٹ جا رہا ہے ہمارا. ابھی 21 جو ہے نا مزید ہیں. جی ہاں 21 نہیں, یورپ سے بھی بھائی کیوں کوئی آواز دے نا, سارے تو ابھی یہیں سے آ رہے ہیں. وہ بھی ہم نے اٹلی کا یورپ میں کیا برف لیتے ہیں, نہیں یورپ میں برف پڑ رہی ہے, نہیں برف پڑتی رہے نا, دل میں برف نہیں ہونی چاہیے. بہرحال بڑے دکھ کی بات ہے, حقیقت ہے, یقین جانیے آپ, بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ جتنے مومنین آئے سوائے 10 کے جو اٹلی سے آئے, یا ناروے, ڈنمارک, سویڈن, بیلجیم, ہالینڈ, فرانس, پتہ نہیں, یقین جانیے پتہ نہیں, پروپیگنڈا ہو تو سب سے پہلے ان ملکوں سے شروع ہوتا ہے, سب سے پہلے. اور کوئی ایک بھی ایسا مومن نظر نہیں آیا جو ہمیں بھی فون کر کے پوچھ لے کہ یہ بات سنی ہے, آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں, کیوں آپ کو راہ راست سے روکا جا رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ کو راہ راست سے روکا جا رہا ہے. بابا کیا چاہیے آپ کو, یہی چاہیے نا کہ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہدایت سے وہ پروگرام دیکھتے ہیں, ہدایت سے علی ولی اللہ سنتے ہیں, ہدایت سے مجالس سنتے ہیں, ہدایت سے لوہے مرثیے سنتے ہیں. جب تک ہدایت وہ پورا کر رہا ہے آپ پروپیگنڈا کیوں سنتے ہو, کیوں سنتے ہو؟ پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہدایت کے پاس تو اتنا پیسہ آج تک اکٹھا نہیں ہوا کہ یہ اپنے بل دے سکے, اس میں کسی نے کیا کرنا ہے. ابھی ایک اور ہماری بہن زارہ ایڈسفیلڈ سے ہیں, انہوں نے 100 پاؤنڈ کی اس میں ڈونیشن جو ہے نا وہ کی ہے. 535 ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بہن کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے, رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے اور ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. ٹارگٹ بہت ہی جو ہے نا وہ ابھی دیکھیں 20 پہ آ گئے ہیں, 20 پہ آ گئے اور بہت ہی یعنی کلوز جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مشکل پڑے گی, نہیں انشاءاللہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مومنین آ جائیں اور اس میں حصہ لیں تاکہ یہ پروگرام باقی کنٹینیو کی جا سکیں اور اس کو جتنے بھی, ابھی تو خیر سارے دیکھ رہے ہیں, سارے فارغ بیٹھے ہیں اس وقت سارے, کیا خیال ہے اس میں؟ جی بالکل بیٹھے ہیں, بالکل دیکھ رہے ہیں اور کان میں روئی بھی نہیں ہے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, یعنی ہماری آواز وہ سن رہے ہیں. ذرا اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ 6-7 ملکوں کے نام لینے کے, نام لینے کے میں چیخ رہا ہوں, میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ ناروے والے کدھر ہو, سویڈن والوں کدھر ہو, ڈنمارک والوں کدھر ہو, اور ہالینڈ کا تو حملہ وارث ہے. یعنی یہ وہ ملک ہیں جن میں غربت نہیں ہے. ہالینڈ دنیا کا ہائیسٹ پیڈ ملک ہے, فیسلٹیز والا ملک ہے, مگر پتہ نہیں
जब देखो प्रोपेगेंडा हो रहा होगा, जब देखो उलट बातें वहां पे दोहराई जा रही होंगी, अगर कभी जाए भी तो भी सिवाय प्रोपेगेंडे के कुछ नहीं सुनते हैं। फ्रांस वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, वहां पे भी पता नहीं क्या क्या मैसेजेस गए और कौन कौन से मैसेज गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अंकल? हाँ जी, मैं फौज फातिमा। हाँ जी, मेरी तरफ से मौलाना साहब को भी सलाम दुआ। वालेकुम सलाम। तो मैं इंशाल्लाह जरा ना 100 पॉइंट जमा करवा देंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला ए बच्ची भी मेरे ख्याल छेवी सतवी के अठवी डोनेशन है दी। हर अपील दे वे इंशाल्लाह सलामती। मैं क्या मैं पीछे ना ना रह जाऊं लास्ट पे आ गए होते। तू स्टार्ट करने वाले आज बच्ची। तो मेरी तरफ खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक सेहत दे, सलामती अता फरमाए और आफात बलियात से महफूज फरमाए, रिज के तैयब रिज के हलाल अता फरमाए, कुछ मरहूमीन की मगफरत फरमाए। और अभी 19 रह गए हैं। 19 रह गए हैं, 19 रह गए हैं। 19 का अदब भी वैसे जबरदस्त अदब है। बिस्मिल्लाह जो है ना, अगर पढ़े ना तो वो जो 19 शोले उनसे महफूज रहते हैं। जी हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि नाज़रीन देखिए आप हिदायत से क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किबला मौलाना साहब, मैं चौधरी जाफरी बोल रही हूं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शुक्रिया यादी मदद मौला अली अलैहि सलाम ने दी। माशाल्लाह। किबला मैं 92 पॉइंट मेरी तरफ हूं जरा ना डोनेट। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। किबला चो साहब ली दुआ करो। लबाई भी साडे जेड़े ना वो बानी मेंबर ना जाफरी सेहत दे और सलामती अता फरमाए इंशाल्लाह। किबला मेरी वाइफ है, मेरी बेटी वास्ते दुआ करना। जी जरूर, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सवाडी आहिया ना करन। थर्सडे फ्राइडे तक पैसे भेज दे। जी ठीक है ठीक है ठीक है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। अल्लाह पाक बच्ची ने भी सेहत दे और सलामती अता फरमाए। सवाडे घर वाले ने भी अल्लाह सुभान व तआला सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और जितने मरहूमीन हैं अल्लाह सुभान व तआला उन्होंने जवार रहमा जवार सीद शहदा जगानात फरमाए। इंशाल्लाह बेहक के इमाम जमान। हाँ जी, तो मैं ये बार बार चीख रहा था, चीख चीख के कह रहा था कि नावे डेनमार्क स्वीडन हॉलैंड बेल्जियम फ्रांस स्पेन और कुछ नहीं तो आके मुझे गाली ही दे दो। नहीं, नहीं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हो ना करो, खुदा गवाह है डरो डरो डरो। किस काम की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, किस कमीशन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है। और आप हो, मैं 100% जानता हूं कि इन सब मुल्कों में सुना भी जा रहा है और हिदायत देखा भी जा रहा है। नहीं, यार कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं आपके हौसले। नहीं तो अमेरिका वाले कहां गए? आप उनको नहीं कहते यूरोप के पीछे जाना? वो अमेरिका वाले तो मुसलमानों के वैसे ही खिलाफ हैं। किबला उनसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पकड़ लेगा, इसलिए वो अमेरिका वाले तो दे नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो अशर हुआ है अभी पीछे है। बहरहाल कैनेडा से उम्मीद की जा सकती है, मगर कैनेडा वाले भी जो हैं सौखे नहीं। किबला सौखा हो जाए ना मोमिन तो फिर मोमन किसी भी नहीं ना सुनता अपील ते ना मोमन जड़ा है उदा दिल पसीजता है। बारह 18 रह गए हैं। कैसे कैसे समझाऊं आपको? ऑनेस्टली कैसे समझाऊं, कैसे रोऊं आपके सामने? 18 मगर अभी जब मैंने जैसे कि कहा किबला मैं कुर्बान जाऊं, खुदा गवाह है कुर्बान जाऊं यूके के मोमिनीन पे। बावजूद इसके कि ये ऐसे मुल्क में रहते हैं, मगर चूंकि यहां पे इस्लाम भी पाया जाता है और यहां के मोमिनीन के दिल
नर्म है, बर्फ तो जमी हुई है यूरोप पे। क्या कहने हैं आपके यूरोप वालों, क्या कहने हैं आपके। मेरे यानी ये बात जहन में भी नहीं समा सकती कि कैसे आप किस तरीके से कंट्रोल करके बैठते हो। और एक नहीं, यूरोप में बसने वाला हर मोमेंट, पता नहीं लफ्ज में सही इस्तेमाल कर गया या गलत, मोमेंट, मोमेंट का दिल तो नर्म होता है, मोमेंट तो अपना सब कुछ मिशन मौला पे कुर्बान कर देता है। मोमेंट तो मैंने देखा है पाकिस्तान में छाबड़ी लगाते हैं पूरा साल, रेड़ी लगा के, ताला चला के, रिक्शा चला के पूरा साल जोड़ता रहता है और जो भी बचाता है एंड ऑफ द ईयर इमाम की एक मजलिस करा के सारा कुछ उसमें दे देता है। रखो, जोड़ो। याद रखना कि जितनी भी दौलत छोड़ के जाओगे, जब मरने से पहले वसीयत लिखने बैठोगे, उस वसीयत में आपका नाम नहीं होगा, दूसरों के ही नाम होंगे। मगर अगर आपने हिदायत की मदद की तो यह आपको वसीयत लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने वाले खुद लिख लेंगे कि इसका नाम कामयाब लोगों में लिख दो। किस तरीके से आपको जगाए, किस तरीके से आपको झंझोड़े। अल्लाह अल्लाह मेरी इस कौम, मेरी इस कौम को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह मेरी इस कौम को नेकी वाला रास्ता दिखा। ऐसे लगता है इनमें से किसी ने मरना नहीं, इनमें से किसी को आखिरत के लिए कुछ नहीं चाहिए, इनमें से किसी को किसी नेकी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हिसाब होना है। आप जितना मर्जी आंखें बंद रखो, कान बंद रखो, जहन बंद रखो, जिस दिन खुलेगा ये सब कुछ उस दिन पता चलेगा। 18 मोमिनीन रह गए हैं, 18 मोमिनीन ढूंढ रहे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि ये 18 मोमिनीन हमें मिल जाएंगे। बस फर्क ये है कि किस की बख्शिश चाहते हैं मौला और किस को तौफीक देंगे मौला कि वो आगे बढ़े और इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करे। नहीं समझ आती, यानी नाम ले ले के मैं चैलेंज कर रहा हूं, नाम ले ले के मैं बुला रहा हूं। यार कोई बिल्कुल वो यानी जरा सा भी नहीं है कि इसका मुंह बंद करे चले एक कॉल कर देते हैं, जरा सा भी नहीं है। फिर हमें बुलाते हो जलूसों पे और दिखाते हो, देखे जी माशाल्लाह कितने मोमिनीन ने जलूस निकाला है, वाह। वहां पे तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है कि इस शहर में इतने मोमिनीन बसते हैं, इस शहर में मौला के मानने वाले इतने बसते हैं, इस शहर में इमाम जमाना के चाहने वाले इतने बसते हैं। मगर क्या सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन करने से बेड़ा पार हो जाएगा, उनके मिशन को सपोर्ट ना करने से आप आगे निकल जाएंगे।
कुछ खौफ खुदा करो, कुछ देखो सुनो। मैंने तो पहले कहा है खुदा गवाह है, सामने होते तो कंपटी पे पिस्तौल रखता आपके। हकीकत है किबला, जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह जी, कई साहब जी, शुक्र है शुक्र है, तुम ठीक हो? जी इंशाल्लाह करांगे करांगे, जब भी आवांगे आवांगे। जी ठीक है इंशाल्लाह आवांगे, थानू दस के आवांगे। अल्लाह पाक है, हमारे बड़े मोहतरम हैं चौधरी बशीर, अल्लाह सुबहानहु व तआला इन्हें सेहत दे और सलामती अता फरमाए और इन्हें आफात बलियात से महफूज फरमाए, इंशाल्लाह रिज़्क के तैयब रिज़्क के हलाल अता फरमाए। ये बीमार आदमी है, ये काम नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद हिदायत की अपीलों में है शामिल होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ऑनलाइन हूँ क्या? जी जी आप ऑनलाइन हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वैसे ही बोलना चाह रही थी, मैं 92 पॉइंट पे करना चाह रही हूँ। जी अपना नाम बताएंगी? मिसेस रजवी है, मेरा अकाउंट है वहाँ। जी ठीक है, हम वही उसी पे वो करेंगे फोन, जो हम आपको फोन करके और आपसे जो है वो डिटेल ले लेंगे, वैसे हम पुरानी डिटेल नहीं निकाल सकते। ओके जी, किबला मिसेस रजवी के लिए जो है सुभान व तआला हमारी बहन को सेहत दे और सलामती अता फरमाए इंशाल्लाह। थैंक यू मोहम्मद व आले मोहम्मद, और अल्लाह सुभान व तआला इनके जुमला मरहूमीन की मगफरत फरमाए और हमारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। इलाही आमीन। मोहम्मद व आले मोहम्मद, अभी 17 रह गए जी, 17 मोर, 17 मोमिनीन और चाहिए हमें, और 17 जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। जी जी शादी बिस्मिल्लाह, कितने कितने बकाए रह गए? टोटल 17 जी। टोटल 17 जी जी। अच्छा, वो 17 ये हो गए, 3 मैंने आगे कराए हैं। जी 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 ठीक है जी जी जी। अच्छा, ये 20 मेरे नाम कर दो। अल्लाह अकबर, खुश अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओके अल्लाह पाक इंशाल्लाह शान सेहत दे, सलामती अता फरमाए, आफात बलियात महफूज़ करें इंशाल्लाह। गुनाहगार की जो है कि माफ़ी बता लें इंशाल्लाह। ओके मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके जुमला मरहूमीन की मगफरत फरमाए और उन्हें दुआ करें, शहादा का जवाब इंशाल्लाह। मेरे वालदैन के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक आपके वालदैन को सैयद शहदा का जवाब नसीब फरमाए, शुमार फरमाए अल्लाह सुभान व तआला। आपको ये जो 20 आपने दिए हैं इसके 20 के बजाय जो है ना आपको लाखों अता फरमाए इंशाल्लाह, ये हक मोहम्मद मोहम्मद इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चलो जी, चलो नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी शाह जी, बहुत शुक्रिया, परवरदिगार खुश रखें जी, आबाद रखें, शाद रखें, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, जज़ाकुमुल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह इंशाअल्लाह। चलो जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।
میں ناظرین اکرام جن کے نصیبوں میں لکھا تھا وہ ایک سید زادہ آیا اور 20 کے 20 اس نے اپنے نام کر لیے. اور یہ وہ سید زادہ ہے جو ہر ڈے ون سے ہدایت کے ساتھ ہیں اور اس کی ہر اپیل میں حصہ لیتے ہیں. تو کنٹرول روم سے کہوں گا جی ٹارگٹ کمپلیٹڈ 555 پورے کر دیں اور قبلہ دعا مانگیں ان کے لیے جنہوں نے حصہ لیا اور ختم کریں. اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد. خدایا بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. الہی امین. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. الہی امین. ہمارے جتنے مومنین اور مومنات نے اس کربلا کی اپیل میں شمولیت اختیار کی ہے پروردگار تو نے کربلائیوں میں شمار فرما. الہی امین. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصرین میں شمار فرما. الہی امین. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مجاہدین میں انہیں شمار فرما. الہی امین. مولا امام زمانہ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت فرما. الہی امین. ان کے گھروں میں خیر و خوبی عطا فرما. الہی امین. انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. الہی امین. انہیں آفات بلیاد سے محفوظ فرما. الہی امین. انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما. الہی امین. ان کے مرحومین کو یا اللہ پروردگار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں سائے کربلا نصیب فرما, سید الشہداء کا جوار نصیب فرما. الہی ان کے جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. الہی معصومین علیہ السلام کا جو سایہ ہے اور جوار ہے پروردگار وہ انہیں عطا فرما. الہی خدا بحق محمد و آل محمد محبان ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ تو انہیں اجر عطا فرما. الہی ان کے جتنے بھی دام درہم سخن ہدایت کی سپورٹ کر رہے ہیں پروردگار تو انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما. الہی یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما. الہی عالم طاغوت کو نابود فرما. الہی یا اللہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. الہی اللہم عجل لولی کا فرج. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج. ناظرین ہمارا جو ٹارگٹ تھا 555 مومنین والا وہ پورا ہو گیا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اجازت دیجیے گا, آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو.